अटेंशन माय डियर्स, सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन मतलब क्या, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं, जैसे अब डब्ल्यू एच वर्ड्स कहाँ पर आएंगे जरा वो ध्यान दो, वॉट, When, उसके बाद वेर, हुम, वाई, वॉट, वेन, वेर, हु, उसके बाद विच, और ये दोनों से हटके आता है हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, फिर से बोल रहा हूं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हाई, विच, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। ये जो वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे वर्ड्स डब्ल्यू एच वर्ड्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये चीजें किसके लिए आती है, तो सबसे पहला ये वर्ड्स हो गए, डब्ल्यू एच वर्ड्स हो गए, और ये किसके लिए आते हैं वो इंडिकेट करना है या यूज करना है, किसलिए इस्तेमाल होता है। तो माय डियर, सबसे पहले व्हाट आता है किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए सर, सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी तरीके की वस्तु के लिए, आर्टिकल के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तु रहेगा, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे सर, व्हाट, समझा, व्हाट इज दिस, दिस इज पेन, होता है कि नहीं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बताना होगा तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट। व्हेन आता है बेटा टाइम के लिए, व्हेन किसके लिए आता है बेटा, टाइम, समय बताने के लिए आप व्हेन का इस्तेमाल करते हो। वेयर आर यू, कहाँ है बे, वेयर क्या बताता है आपको, प्लेस, जगह के लिए, जगह, स्थान वगैरह, ठीक है। हु, पर्सन के लिए आता है, और हुम, थर्ड पर्सन के लिए आता है, ठीक है। हु और हुम, हुम किसके लिए आता है, पर्सन, हु सेड टू हुम, सुना ना, किसने किससे कहा, तो किसने किससे कहा, तो किसने के लिए क्या आएगा बेटा, हु या कौन, सुना है ना, तो कोई भी व्यक्ति वगैरह रहेगा वहां पर क्या लगेगा, हु, बट किसने किससे कहा, तो थर्ड पर्सन जो रहेगा वो थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा बेटा, हुम। जैसे सलमान खान वंस सेड, एक बार मैंने जो कमिटमेंट करती उसके बाद तो खुद की भी नहीं सुनता, हु सेड टू हुम, तो सलमान खान सेड टू महेश मांजरेकर, है ना। पहला इंसान सलमान खान है तो वो क्या हो जाएगा, हु, और जो दूसरा इंसान है महेश मांजरेकर वो हो जाएगा हुम। तो हु सेड टू हुम, सलमान खान आ गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसके लिए हु का इस्तेमाल होगा, और जो थर्ड पर्सन उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, हुम। क्लियर है क्या। वाय, वाय किसके लिए आता है बेटा, किसी भी तरीके के रीजन को फाइंड करना है, किसी भी तरीके के कारण रीजन को फाइंड करना है, तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, Why? ठीक है। उसके बाद विच, सुना है विच का नाम क्या, किसके लिए इस्तेमाल होता है बताओ, विच, विच, विच जो होता है वो टाइप्स के लिए आता है बेटा, किसके लिए आता है, टाइप्स, प्रकार, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज,
किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, तो किस तरीके का प्रोडक्ट है, विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या आएगा बेटा टाइप्स। फिर आता है हाउ। अब हाउ मतलब किसके लिए आता है सर, इंक्वायरी करने के लिए, जिसको इंक्वायरी करनी है, जिसको क्या करना है सर, या फिर हाउ आर यू, कैसन बा, ठीक बा, पूछ रहा है ना, तो इंक्वायरी के लिए क्या आएगा बेटा हाउ, क्या आएगा, उसके बाद आता है हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी भी काउंट के लिए आता है, ये भी काउंट के लिए आता है। हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, है ना, हाउ मेनी बोलते हैं ना, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी किसके लिए आता है बेटा, काउंटेबल है ना, हाउ मेनी क्या है सर आपके लिए, काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब गिन सकते हो कितने भाई बहन हैं, सर आप गिनो मत इतने, हाउ मच भाई बहन यू हैव, हाउ मच मतलब क्या बहुत सारे है क्या, गिन सर, जो गिन सकते हैं वो किधर आएगा सर, हाउ मेनी में, और जो नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे अपन, अनकाउंटेबल। दोनों ही किसके लाएंगे सर, हाउ मच स्टार्स इन द स्काई या हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई, तो सर स्टार्स को काउंट कर सकते हैं अपन, चालू करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म होगा क्या गिनती, तो वो अनकाउंटेबल है, क्या है वो सर, अनकाउंटेबल, नहीं गिन सकते, है ना। हाउ मेनी हेयर्स इन योर हेड, तुम्हारे सरवा पे कितने बाल बा, सर गिन के बताओ मेरे को। एक दिन बोला स्कूल में हमारे लोग वैसे ही शरारती थे, तो मजाक मजाक में दोस्त ने बोला तेरे सर पे कितने बाल है तेरे को पता है, बोला हाँ, बोलता कितने, बोला 17,380, बोलता तेरे को कैसे बाल, बोला नहीं अकेले तू ही गिन ले। उसको लगा वो मेरे को काम पे लगाएगा, हम तेरे से ज्यादा चतुर है, ऊपर से ब्लड में पब्लिक वाले, हम तो रहेंगे ही ना ऐसे शरारती, तो बोल दिया अपन ने। अब नेक्स्ट टाइम बोलता नहीं इम्पॉसिबल, तो गिन ना तू, देता तेरा वो बैठ टकला, ठीक है समझा इतना, वापस ध्यान दो, वर्ड वर्ड वर्ड, पहला क्या है व्हाट, व्हाट किसके लिए आएगा बेटा, वस्तु, किसके लिए आएगा वस्तु, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है object. किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए, आर्टिकल के लिए, सामान के लिए किसका इस्तेमाल होगा व्हाट, ठीक है। दूसरा क्या है व्हेन, व्हेन किसके लिए आता है, समय टाइम के लिए आता है, वेयर जगह के लिए आता है, लोकेशन बता करना है तो क्या आएगा वेयर, हु किसके लिए आएगा पर्सन, व्यक्ति के लिए आएगा, होम थर्ड पर्सन, ये भी व्यक्ति है लेकिन वो तीसरा व्यक्ति रहेगा, किसी ने किससे कहा तो पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा वो थर्ड पर्सन होता है। व्हाई किसके लिए आता है बेटा, रीजन, कारण पता करने के लिए, आई एम नॉट कमिंग सर, व्हाई सर, आपको क्या पता मेरा पेट दुख रहा है तो जाना हॉस्पिटल, मेरे को क्या बोल रहा है, होता कि नहीं होता है, रीजन पता करने के लिए व्हाई लगाते, क्या लगाते बेटा, विच टाइप्स के लिए आता है, किसके लिए आता है बेटा, हाउ इंक्वायरी के लिए, हाउ मेनी काउंटेबल चीजों के लिए, हाउ मच अनकाउंटेबल चीजों के लिए, समझा, तो गिन सकते हैं उसको कहाँ डालोगे, हाउ मेनी में, और जो नहीं गिन सकते वो क्या आएगा, क्लियर है क्या, हाँ या ना, तो ध्यान देते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करते हैं। द बॉयज मेड द साइंस प्रोजेक्ट, ध्यान दो, फर्स्ट द बॉयज मेड द साइंस प्रोजेक्ट, बॉयज मेड द साइंस प्रोजेक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, WH टाइप क्वेश्चन के अंदर
आपको कहीं तो अंडरलाइन करके देगा। क्या करके देगा बेटा? अंडरलाइन करके देगा। जैसे इसने अंडरलाइन करके दिया है साइंस प्रोजेक्ट पे, किस पे दिया है सर? समझा? अब मुझे बताए साइंस प्रोजेक्ट इंसान है क्या, जानवर है क्या, समय है क्या, प्लेस है क्या, काउंटिंग वाली चीज है क्या, ये कोई वस्तु है, प्रकार है, आर्टिकल है, तो इसलिए क्या लगेगा? व्हाट। क्या लगेगा बेटा? तो इधर लिखने का व्हाट। समझा? अब चेक कर इसमें इज है, मार, वॉज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट आया है क्या? नहीं आया तो चेक करने का कि मेड वो आपका पहला फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है बेटा। तो याद होगा वो आपका पहला फॉर्म सेकंड फॉर्म, ध्यान दो। जिसको नहीं समझा वो यहाँ ध्यान दे सकता है बेटा। जिंदगी में याद रखो कभी भी कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दो तरीके का होता है। कितने तरीके का बेटा? क्या आंसर? कौन कौन सा सर? मानो लड़कियां शादी करके किधर जाती है बोलो? ससुराल में जाती है प्लस, ठीक है, वहां पर वो किसके साथ रहती है? पति के साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब और खुद रहती है वाइफ, हेल्पिंग वर्ब और वाइफ। उसके अलावा ससुराल में सास ससुर और बाकी के लोग रहते हैं ना, लेकिन हस्बैंड हमेशा अपने घर पे रहेगा क्या? तो कौन रहेगा सर? सास ससुर रहेंगे, हस्बैंड नहीं रहेगा। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, टोटल क्या हो गया सर? दो तरीके का सेंटेंस हो गया। क्लियर है? या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। समझा क्या शुभम? उसको बेचारे को जिंदगी झंड हो गई है, वैसे ही बतिया आ रहा है, बड़बड़ाने का आदत हो गया रे बुबुआ। नहीं ना, तो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से करने का, नहीं आएगा तो वर्ब के हिसाब से करने का। तो हमारे जो सेंटेंस हमने देखा उसमें वर्ब आया है। क्या है बेटा? तो देखने का ये जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है? वो आपका पहला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बेटा? तो क्या लगाने का बेटा? डू। वो आपका सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाने का बेटा? डीड। और वो आपके साथ एस या एस आया रहेगा तो क्या लगाएगा बेटा? डज। समझा? हमेशा जिंदगी में हमेशा याद रखना यही अप्लाई होने वाला है। डू डीड डज, डू डीड डज, डू डीड डज। डू वो आपके पहले फॉर्म के लिए, डीड वो आपके सेकेंड फॉर्म के लिए। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आया तो डज हो जाएगा। सर अगर क्वेश्चन में मान लो गो आया तो क्या लगेगा? डू। अगर क्वेश्चन में वेंट आया तो क्या लगेगा? डिड। और जहां पे गोज आया वहां पर क्या लगेगा? डज। जैसे ही मैंने वेंट के लिए डिड लगाया, जैसे ही मैंने वेंट के लिए डिड लगाया, वेंट कन्वर्ट हो जाएगा गो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गो। जैसे ही मैंने गोज के लिए डज लगाया ये कन्वर्ट हो जाएगा गो में। समझा? जब भी डू डिड और डज इस्तेमाल करोगे तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका पता सर गो के लिए अगर आपने डू लगाया तो गो किस में कन्वर्ट होगा सर? गो में। हमेशा फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर भी अगर आप सेंटेंस देखो तो साइंस प्रोजेक्ट के लिए मैंने वो क्या लगा दिया? व्हाट। क्या लगा दिया बेटा? व्हाट। वो आपका सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? डिड। व्हाट डिड। क्लियर है? तो बचा क्या सेंटेंस? द बॉयज। अब मेड का क्या हो जाएगा बेटा? मेक। क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट डिड द बॉयज मेक? लड़कों ने क्या बनाया? साइंस प्रोजेक्ट। खत्म। लड़कों ने क्या बनाया? साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट जहां पे अंडरलाइन होगा वो आंसर अपना माना जाता है। हमको बनाना होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बनाना होता है, इसलिए वो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहलाता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो मार्क्स कटने वाला है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉयज हाइड द मैगजीन बिहाइंड द सोफा। द गर्ल्स हाइड्स
द मैगजीन हाइड द मैगजीन ठीक है बिहाइंड द सोफा बिहाइंड द सोफा। अब मुझे एक बात बताओ, लड़कियों ने मैगजीन कहाँ छुपाया? सोफा के पीछे। कहाँ छुपाया? सोफा के पीछे। कहाँ मतलब ये प्लेस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? वेयर। ठीक है, फायर। अब यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म आया बेटा हाइड का, तो वेयर डू द गर्ल्स हाइड द मैगजीन। मैगजीन समझा, वेयर डू द गर्ल्स हाइड द मैगजीन। सही है, कोई डिफिकल्टी आया ना? अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो उसका मार्क्स कट जाएगा, समझा? बिना क्वेश्चन मार्क के मार्क्स मिलने वाला नहीं है, भले ही आपने कितनी भी शिद्दत से सही किया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, द बनाना लीफ इज यूज्ड टू रैप फूड। खाना पैक करने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? बनाना लीफ। किसका इस्तेमाल हो रहा है? व्हाट इज, है ना? तो क्या आएगा बताओ? बनाना लीफ वस्तु है, वस्तु के लिए क्या आएगा? व्हाट, व्हाट इज यूज्ड टू रैप फूड। खाना पैक करने के लिए, खाना रैप करने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? बनाना लीफ। और हेल्पिंग वर्ब था ही ना, खाली हमने क्या लगाया? इस बनाना लीफ की जगह पे क्या लगा दिया? व्हाट। अपना काम वैसे ही हो गया। अरे यस और नो? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? वन मोर। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो श्रुति लाइक्स, बोलो बोलो बोलो, आइसक्रीम। आइसक्रीम पसंद करती है, क्या आली श्रुति है रे? चलो श्रुति, अंडरलाइन का है श्रुति। श्रुति इंसान है, पक्का? पर्सन है, पर्सन के लिए क्या आता है बेटा? हु। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? हु लाइक्स आइसक्रीम। आइसक्रीम किसे पसंद है? श्रुति को। एक तो ये आंसर हो सकता है, देखो तो आइसक्रीम बोला तो उधर श्रुति के ऊपर नजर डाल रहे। अरे बेटा आइसक्रीम पसंद है उसको, श्रुति श्रुति मत करो, श्रुति श्रुति हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? नेक्स्ट। देयर आर सेवन वंडर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सात अजूबे हैं, पूरी दुनिया में सात अजूबे है, तो सेवन नंबर है, तो पूरी दुनिया में कितने अजूबे हैं? सात। कितने? काउंटेबल, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी, हाउ मेनी? आगे
वंडर्स इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी डज करके वंडर इन द वर्ल्ड लिखा तो भी राइट मिलेगा, हाउ मेनी वंडर्स इन द वर्ल्ड लिखा तो भी राइट मिलेगा, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाउ मेनी वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, समझा? हाँ है ना? अब ध्यान दो, नेक्स्ट। द किंग सेड टू हिज सर्वेंट, राजा ने इसको कहा, अपने नौकर को कहा, ठीक है, राजा ने किसको कहा, सर्वेंट। अब सवाल पैदा होता है, अब इस वाक्य में अगर मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया या इसके नीचे अंडरलाइन किया तो क्या होगा? तो बेटा सर दोनों में एक साथ अंडरलाइन होगा क्या? नहीं, दोनों में से किसी एक पे होगा। तो अगर मानो मैंने किंग के नीचे अंडरलाइन किया होता तो यहाँ पे हु लगता, क्या लगता? तो दूसरे वाले के लिए हु सेट टू हिज सर्वेंट, किसने कहा? तो द किंग। लेकिन अगर मैंने सर्वेंट के नीचे अंडरलाइन करता तो यहाँ पर क्या आता? यानी दोनों चीजें अगर साथ में आ गई और एक लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया है तो हु सेट टू हुम, किसने किससे कहा? तो राजा ने सर्वेंट से कहा। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, थर्ड या सेकंड पर्सन बोल सकते हैं। तो पहले वाले पर्सन के लिए क्या आएगा? हु, और सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा बेटा? हुम। क्लियर है क्या? हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दो। टुडे वी आर नॉट एबल टू कम ड्यू टू हेल्थ, टुडे वी आर नॉट एबल टू कम ड्यू टू हेल्थ इश्यू। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे आपको रीजन दिया है, क्या दिया बेटा? ठीक है, तो हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हेल्थ इश्यू है। तो क्यों रीजन दे रहे हो आप? यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? रीजन दे रहे हो। तो यहां पर क्या आएगा? वाई, क्या आएगा बेटा? वाई, रीजन है। तो वाई के लिए वाई, फिर नॉट एबल टू कम Why are we not able to come today? Because due to health issue. Due to क्या हो जाएगा सर? Health issue. अरे बात समझ में आ रहा है? तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें आपको रीजन बताना है, क्या बताना है बेटा? रीजन बताना है, ठीक है। अभी ताजमहल is located इन आगरा। मैंने किसी को पूछा ताजमहल किधर है, बोला घर के बगल में, मतलब समझ जाओ पागल खाना है वो। तो ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल कहाँ है बेटा? आगरा में। जगह है, जगह के लिए क्या आता है बेटा? वेयर, क्या आता है बेटा? वेयर। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब इज। वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? प्रॉब्लम है क्या? जगह बोल दिया तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका? उसके बाद वी विल मीट यू
ऑन 7 PM। हम आपको कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे। समय पूछा है, टाइम पूछा है, तो क्या आएगा भाई साहब? समय के लिए क्या आता है? When will we meet you? हम आपको कब मिलेंगे? 7 बजे। समझा? विल कभी भी आया तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August एवरी ईयर। यहाँ पर 15 अगस्त के नीचे अंडरलाइन है, क्या आएगा बताओ? सबसे पहले तारीख दिया है, when, ठीक है सर? इज एम आर वॉज वेयर विल शेल शुड कुड में माइटनेस नहीं आया है, तो सर ये सेलिब्रेटेड आया है, तो आपका कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। when did, बचा क्या? we celebrate इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन मार्क। समझा? हाँ है ना, समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन दिया होगा नीचे कहीं ना कहीं अंडरलाइन करके दिया होगा, उसको आपको क्या करना है? आंसर क्वेश्चन बनाना है, बट कौन सा उपयोग करके? डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करके। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या क्या आता है सर? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हाई, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। क्लियर है क्या? व्हाट क्यों आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। व्हेन कब आता है? टाइम के लिए। वेयर कब आता है? प्लेस के लिए। हु कब आता है? पर्सन। हुम थर्ड पर्सन। Why, reason, which, types, how, inquiry, how many, countable, how much, uncountable. Clear है क्या? Yes. पक्का? Sure, confidence lock किया जाए? समझा सबको?